गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा, वो है मास एंड यूनिट ऑफ मास। एंड हम इसमें ये भी बताने वाले हैं कि जो मास की यूनिट 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है। हम अक्सर जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो 1 किलोग्राम चीजें लाते हैं, तो लेकिन आपको क्या पता है कि 1 किलोग्राम कितना होता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं, और जिसने भी 1 किलोग्राम को बनाया है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, कौन कंट्रोल करता है इन चीजों पर कि भाई ये इसका मास ये है, इसका मास ये है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मास क्या होता है। स्क्रीन पे देखिए, लेट्स सी मास क्या होता है। मास क्या होता है, द क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, या आप कह सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। किसी बॉडी के पास जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है, मैटर मतलब होता है पदार्थ, यानी किसी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर उसमें भरा हुआ है, एक्चुअल में यही मास है। सपोज करें, एक एग्जांपल मैं लेके देखता हूं यहाँ पे। जैसे एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा आप देख रहे हो, एक आयरन का टुकड़ा देख रहे हो यहाँ पे। तो देखिए, एक लकड़ी के टुकड़े में, यानी वुड, जो पीस ऑफ वुड है जो आप यहाँ देख रहे हो, पीस ऑफ आयरन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आप इसके पास जो लकड़ी का टुकड़ा है इसके पास कुछ मास है, यानी आपको इसको हाथ में लोगे ना तो आपको एक मास महसूस होगा आपको। तो इसका मतलब ये किसी मैटर से बना हुआ है ना। मैटर के पास क्या होता है, मास होता है। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसके पास क्या भरा हुआ है, अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है। इस लकड़ी में अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है, इसलिए इसके पास मास है। अब जैसे ये हम देख रहे हैं एक लोहे का टुकड़ा है, इस लोहे के टुकड़े के पास क्या है, देखिए इसके पास मास है क्योंकि इसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके आसपास। जैसे एक बुक देखिए आप, इस बुक के पास कुछ मास है क्योंकि ये बुक जो है इसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है। आप सभी को पता है कि मैटर जहां होता है वहां मास होता है, यानी मैटर के पास क्या होता है, मास होता है, राइट। तो ये होता है मास। तो मैंने बताया अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, यानी किसी बॉडी में अमाउंट ऑफ मैटर होता है या क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, यही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, मास कहलाता है। अब आप एक चीज समझिए कि जो मास नाम की चीज है ये है क्या, ये बॉडी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी किसी बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण, उस बॉडी की खासियत, यानी द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। मास इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, यानी किसी बॉडी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मास। अब आपको मास के बारे में कुछ की पॉइंट्स पढ़ने चाहिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, इट कैन नेवर बी जीरो। मास कैन नेवर बी जीरो, यानी मास कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे देखिए, एक हमने यहाँ पे एक चेयर ली, टेबल ली, यहाँ पे आप एक मोबाइल फोन ले सकते हो, आप बुक ले सकते हो, इन सभी बॉडी को देखिए आप, क्या इन बॉडी के पास मास जीरो हो सकता है कभी, सोचिए, नहीं। कोई भी ऐसी बॉडी नहीं होगी जिसके पास मास जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर बॉडी एग्जिस्ट इस दुनिया में करती है तो उसमें मास होगा, उसमें कुछ ना कुछ वजन हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सकता कि उसके पास मास जीरो होगा। तो जीरो कभी भी मास नहीं हो सकता। आप सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट कहता है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। इसका मतलब है जो मास जो है, अब आप ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे देखिए एक बच्चा खड़ा हुआ, एक बॉय है यहाँ पे, एक बच्चा खड़ा हुआ है। मान लीजिए इस बच्चे का कुछ मास होगा ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए कोई आदमी इसके पास चला जाए तो क्या उस बच्चे का मास बदल जाएगा, यानी आप सोचिए कि एक बॉडी का मास किसी दूसरी बॉडी के मास की वजह से अफेक्ट हो सकता है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, नहीं। क्या उसका मास चेंज हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, नहीं। या हम कह सकते हैं कि आप सपोज कीजिए आपके पास एक बुक है और उस बुक के पास में अगर मान लीजिए कोई दूसरी बुक रख दी जाए तो क्या उस बुक या इस बुक का मास में कोई चेंजमेंट आएगा, नहीं आएगा। यानी मास कभी भी दूसरी बॉडी के मास से इफेक्ट नहीं होता, उसकी प्रेजेंस में इफेक्ट नहीं होता है। अब थर्ड पॉइंट देखने की कोशिश करिए, इट इज नॉट, यानी मास इज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ द बॉडी। थर्ड पॉइंट कहता है कि मास कभी भी टेम्परेचर के घटने बढ़ने पर चेंज नहीं होता है। आप देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए हम यहां पे क्या करते हैं, एक बॉडी लेते हैं, ठीक है, हम एक बॉडी लेते हैं, जैसे सपोज करो एक आयरन रोड मैंने यहां ली, इस आयरन रोड को आप देखिए क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा या सेम रहेगा, तो क्या इस बॉडी के मास में चेंजमेंट आएगा, नहीं आएगा।
आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, गर्मी या सर्दी में अगर उनका मास हम मेजर करें तो ऐसा थोड़ी ना है कि मास कम ज्यादा हो जाएगा, नहीं, मास कभी भी टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज नहीं होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए इस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़े, प्रेशर कम या ज्यादा इस पर लगा, एयर प्रेशर कम या ज्यादा हो जाए तो क्या इसके मास पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, प्रेशर के घटने बढ़ने पर किसी भी बॉडी के मास पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप अपना मास गर्मी या सर्दी में मेजर करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर का भी और प्रेशर का भी। और इसके बाद देखिए ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए बॉडी की लोकेशन को चेंज कर दे, यानी बॉडी अगर मान लीजिए यहाँ रखी हुई है, बॉडी को वहां ले जाए या यहाँ ले जाए या लोकेशन को चेंज कर दे तो क्या बॉडी के मास पे इफेक्ट पड़ेगा? याद रहे, नहीं पड़ेगा। कभी भी बॉडी के मास मास पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता या चेंज नहीं होता अगर लोकेशन उसकी चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हैं। यानी आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं जो हम इधर से उधर करते हैं तो क्या उसके मास में चेंजमेंट आ जाता है? नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया कि मास के की पॉइंट्स क्या क्या हैं और कैसे। अब आप सोचिए जो हम मास पढ़ रहे हैं मास को मेजर किस में जाता है, यानी इसकी यूनिट क्या होती है? तो देखो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यानी इंटरनेशनल लेवल पे मास की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो किलोग्राम होती है, किलोग्राम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये किलोग्राम जो है ये इंटरनेशनल लेवल क्यों बोला करते हैं, यानी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इसका मतलब है कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये डिसाइड किया गया, सारी कंट्रियों ने मिलकर ये डिसाइड किया गया कि भाई जो मास की यूनिट है वो किलोग्राम ली जाएगी, चाहे हमारे देश में चाहे अदर देश में, यानी इस वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी में मास की यूनिट जो है वो किलोग्राम ही ली जाती है। अब आप प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि मास की यूनिट किलोग्राम होती है, तो क्या हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों 1 किलोग्राम मीन्स, अब आप यहाँ पे दो चीजें ध्यान से समझो, मैं आपको दो बातों में, दो सेंटेंस में ये समझाने की कोशिश करूंगा, और ओरिजिनली भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी ये बताया गया है कि 1 किलोग्राम कितना होता है। तो प्यारे बच्चों 1 किलोग्राम का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। 1 किलोग्राम का मतलब होता है कि मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या बोला गया है, मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस। यानी आप समझने की कोशिश करिएगा कि 1 किलोग्राम का मतलब यहां पे क्या है। 1 किलोग्राम का मतलब है जब हम वाटर को 1 क्यूबिक डेसीमीटर ले, जो वाटर की अमाउंट है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर ले, और जो वाटर हम ले रहे हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ले। 4 डिग्री सेल्सियस क्यों बोला? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी जो क्या है मैक्सिमम होती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर 1 क्यूबिक डेसीमीटर अगर वाटर ले तो उसका मास अगर मेजर किया जाए तो 1 किलोग्राम माना जाता है। ओरिजिनली यही बोला जाता है कि 1 किलोग्राम मास है। दूसरा दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक आपका फ्रांस के अंदर पेरिस के नियर, यानी पेरिस कहाँ है, फ्रांस के अंदर, जो फ्रांस के अंदर जो पेरिस है, पेरिस के आसपास एक जगह का नाम है जिसका नाम है सिवरेस, जो सिवरेस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी कंट्रोल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर है, यानी वेट एंड मेजर जो किया जाता है यूनिट का, यानी लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है, 1 किलोग्राम में कितना होता है, ये सब कंट्रोल जो है यानी मेजरमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैंने बताया कि फ्रांस के पेरिस में एक जगह है जिसका नाम है सिवरेस। सिवरेस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। वहां पे एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा हुआ है, उस ब्यूरो के अंदर प्लैटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर रखा हुआ है, उसका मास जो है 1 किलोग्राम है। तो उसका मास जो 1 किलोग्राम है वो 1 किलोग्राम ही एक्चुअल में, हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम कितना है, एक्चुअल में यही 1 किलोग्राम है। यानी उस ब्यूरो के अंदर इंटरनेशनल, हमने बताया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लैटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम। यानी जितना भी 1 किलोग्राम आप अपने अलग अलग कंट्री में मेजर कर रहे हैं वो 1 किलोग्राम का मतलब ये समझा जाएगा कि उस ब्यूरो के अंदर जो इरिडियम और प्लैटिनम इरिडियम का जो एक सिलेंडर रखा हुआ है उसका मास 1 किलोग्राम है। तो सभी का मास जो है इनके इक्वलेंट होना चाहिए, इसी सिलेंडर के इक्वलेंट होना चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई, 1 किलोग्राम में कम या ज्यादा किया गया, तो इसके मास को उस ब्यूरो में जो बताया गया है आपका प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर, उसे कंपेयर किया जाएगा, इससे पकड़ा जाएगा कि
कि किसी ने मांस को कम, 1 किलोग्राम मांस को कम या ज्यादा किया है। इसलिए जब भी आप किसी दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हो, तो कोई भी सामान जब 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम लाते हो, अगर आपका सामान कम या ज्यादा है, तो इसका मतलब उस दुकानदार ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रखी है। तो उसकी जांच होने के लिए उसकी जो कंपैरिजन है 1 किलोग्राम की, वो इसी सिलेंडर से की जाती है और पता लगाया जाता है कि मांस में क्या गड़बड़ी है, यानी 1 किलोग्राम में क्या गड़बड़ी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मास एंड यूनिट ऑफ मास क्या है। थैंक यू वेरी मच।